हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HVACY सत्या में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हायर पैनल सिस्टम के बारे में। दोस्तों बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे, फायर से बताना शुरू करेंगे और फायर अलार्म पैनल को कैसे कंट्रोल करते हैं लास्ट तक बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझ लेते हैं कि फायर क्या होती है, आग क्या होती है। तो फायर इज ए केमिकल रिएक्शन, आग एक रासायनिक क्रिया है जो कि फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट तीन चीजों से मिलकर के क्रिएट होती है, यानी कि ईंधन, ऑक्सीजन और ताप यानी कि हीट। इन तीनों चीजों का जहां भी मिश्रण हो जाता है तो वहां पे आग उत्पन्न हो जाती है। अगर इस तीनों में से कोई एक चीज प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां पे आग नहीं लग सकती। तो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर, यानी कि आग कितने प्रकार की होती है। देयर आर ओनली फोर टाइप्स ऑफ फायर, आग चार प्रकार की होती है, ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप और डी टाइप। मेन सी टाइप यानी कि थ्री टाइप की होती है, बट डी टाइप की भी एक फायर है जो कि आपको मैं बताऊंगा। और ए टाइप की होती है सॉलिड फायर, जो कि लकड़ी में, कपड़े में, कागज में लगती है, वो सॉलिड फायर होती है। और बी टाइप की जो फायर होती है वो लिक्विड फायर होती है, जो कि आपकी ऑयल में लगती है, जो भी लिक्विड होता है उसमें लगती है, ऑयल में, तो वो बी टाइप की फायर होती है। और सी टाइप की फायर जो होती है वो गैस में लगती है, एलपीजी गैस होगी और भी कई गैस होगी जो कि जिनमें आग लग सकती है, तो गैस टाइप की होती है। और डी टाइप की जो फायर होती है वो इलेक्ट्रिकल फायर होती है। वैसे तक इलेक्ट्रिकल फायर जिसमें भी लगेगी तो वो एक टाइप ही बन जाएगा फायर का, बट डी को भी अभी कंफर्म नहीं है, बट इसका डी टाइप को बोल, डी टाइप की अगर फायर कोई पूछे तो इलेक्ट्रिकल फायर को डी टाइप की फायर बोलते हैं। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर के बारे में। वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे टाइप्स के फायर एक्सटिंग्यूशर मार्केट में अवेलेबल हैं। जिस प्रकार से फायर के बहुत सारे टाइप्स कर दिए हैं, उसी टाइप से फायर एक्सटिंग्यूशर के यानी फायर सिलेंडर के भी बहुत सारे टाइप्स कर दिए हैं। तो कुछ मुख्य टाइप्स की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं वाटर टाइप के फायर एक्सटिंग्यूशर की। वाटर टाइप का फायर एक्सटिंग्यूशर आप ए क्लास की फायर पे यूज कर सकते हैं। और अगर बात की जाए फॉर्म टाइप के फायर एक्सटिंग्यूशर की, तो इसको आप लिक्विड की फायर पे यूज कर सकते हैं इसका। और फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए ये पाउडर टाइप के सिलेंडर की, तो इसको आप गैस की फायर पे यूज कर सकते हैं, प्लस इसको ए क्लास की फायर पे भी यूज कर सकते हैं, बट बहुत सावधानी के साथ, हर जगह हर सिलेंडर को यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा जो CO2 टाइप का है, इसको आप किसी भी टाइप की फायर पे यूज कर सकते हैं। वैसे लिक्विड वाली फायर पे ये काम नहीं करेगा, वहाँ फॉर्म टाइप का ही काम करेगा, बट आपको जैसे इलेक्ट्रिकल फायर है वहाँ तो आपको CO2 का ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको कोई भी इक्विपमेंट होता है उसे खराब नहीं होने देता है, क्योंकि वो CO2 एक गैस ही होती है जो कि थोड़ी देर में वहाँ से ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बात करी जाए ये बेट केमिकल क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स एक नया टाइप का ये फायर एक्सटिंग्यूशर है जो कि किचन के लिए यूज किया जाता है। किचन की फायर को भी एफ वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों, ये सिलेंडर जो आप देख रहे हैं ये क्लीन एजेंट टाइप का है, मतलब ये CO2 टाइप का ही है, तो इसे आप ABC तीनों टाइप की फायर्स पे यूज कर सकते हैं इसका, और ये कोई भी नुकसान आपके किसी भी उसको नहीं पहुंचाता। ABC देखो तीनों लिखा है, कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, क्लीन एजेंट टाइप का, CO2 इसमें होती है। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं इमरजेंसी डोर रिलीज, ये ग्रीन कलर का, ये जैसे आप किसी रूम के अंदर हैं और कोई इमरजेंसी आती है, गेट नहीं खुल रहा है आपका एक्सिस कार्ड से,
उस हालत में आप ग्लास को ब्रेक कर दोगे, तोड़ दोगे तो गेट खुल जाएगा, ये इमरजेंसी डोर रिलीज होता है। दोस्तों ये है मैनुअल कॉल पॉइंट, यानी कि MCP, मैनुअल कॉल पॉइंट। ये जैसे आपके फ्लोर पे फायर लग जाएगी उस समय पे आपको यहाँ पे MCP को पुल करना है। उसे जैसे ही पुल करोगे पूरे फ्लोर में अलार्म बज जाएगा। दोस्तों अगर स्प्रिंकलर की बात की जाए तो स्प्रिंकलर बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग टेम्परेचर पे ये ब्रेक करते हैं और टूटते हैं। दोस्तों स्प्रिंकलर दिखने में कुछ ऐसा होता है जो कि फायर लाइन में लगा होता है। जब फायर लग जाएगी उस समय पे अकॉर्डिंग टू अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वहाँ से टूट जाएगा, इसका जो ग्लास होता है वो ब्रेक हो जाएगा और इसमें से पानी चारों तरफ को गिरने लगेगा और ये आग को बुझा देगा। ज़्यादातर बिल्डिंग में रेड टाइप के लगे होते हैं, जो कि आप देख सकते हैं 68 डिग्री सेल्सियस पे उनका ग्लास ब्रेक होता है और वो पानी ड्रॉप करते हैं। दोस्तों फायर अलार्म पैनल देखने में कुछ ऐसा होता है, इसमें चार बटन होते हैं नीचे, जो कि आप देख सकते हैं, एक्नॉलेज, अलार्म साइलेंस, पैनल साइलेंस और रीसेट का होता है। एक्नॉलेज और अलार्म साइलेंस, पैनल साइलेंस और रीसेट का, तो जो बटन है उसका वही काम है, सीधा सीधा उस पर लिखा हुआ है। और इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट होती है। यहीं पर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।